हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चेकमेट ट्रेड्स। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज का ये तूफानी वीडियो, इसमें हम शेयर करने वाले हैं 10 ऐसे हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स जिसने 2023 में पिछले 7 से 8 महीनों में, जनवरी 2023 से लेकर के अगस्त 2023 तक, इन 8 महीनों में इन सारे स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हुए हैं। ये सारे स्टॉक्स हैव ऑलरेडी बीन थ्रू आर स्कैनर्स। इसमें से एक भी स्टॉक हमने मिस नहीं किया हमारे स्कैनर्स में, हमारे डैशबोर्ड्स में। और इन सारे स्टॉक्स में से 60% ऑफ द स्टॉक्स में ऑलरेडी रेकमेंड कर चुका हूँ, एनालिसिस कर चुका हूँ ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है मोमेंटम इन्वेस्टिंग की, मोमेंटम इन्वेस्टिंग की जो स्ट्रेटजी है वो पिछले 200 साल तक बैक टेस्टेड की हुई है। और मोमेंटम इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी यूएस मार्केट्स में पिछले 200 इयर्स में से बहुत सारा रिसर्च इसमें इन्वेस्ट किया गया है। बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्ट्रेटजी को रेकमेंड करते हैं, प्रीच करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। लेकिन इस मोमेंटम इन्वेस्टिंग का सबसे बेहतरीन, सबसे आसान, सबसे सिंप्लीफाइड एंड सबसे इजिएस्ट वे है इसको स्कैनर्स में ढालना, इसको मॉनिटर करना, इनको आइडेंटिफाई करना। और हाई मोमेंटम स्टॉक्स में किस तरह से आइडेंटिफाई करते हुए इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड्स, माइक्रो स्विंग ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स और एक मोमेंटम इन्वेस्टर्स भी पैसा बना सकता है। आपको हाई मोमेंटम स्टॉक्स में ट्रेड करना है, ये गार्ड बांध करके चलिए। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, आप पोजिशनल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, डजंट मैटर, सबके लिए एक रामबाण उपाय है टू मेक अमेजिंग अमाउंट ऑफ मनी कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर इन अ शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मैं आपको प्रूव करूंगा, स्ट्रेटजी को दोहराऊंगा, आपके दिमाग में ये थॉट प्रोसेस को एम्बेड कर दूंगा कि किस तरह से मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज द राइट वे फॉर यू टू प्रोसीड इन द मार्केट, और क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, किस तरह का रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, और किस तरह से आपका जो पूरा फ्रेमवर्क है, लाइफस्टाइल जो है, कब एनालिसिस करना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे स्कैन करना है, कैसे स्टॉक लिस्ट शॉर्टलिस्ट करना है और किस तरह से एंट्री बनानी है, इन सारी चीजों को आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग की जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको देखने मिलेगी। आप चेकमेट ट्रेड्स के यूट्यूब चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आपको प्लेलिस्ट देखने मिलेगी मोमेंटम इन्वेस्टिंग की ऑन माय वेरी चैनल। तो आप कभी भी मेरे चैनल पे जाकर के मोमेंटम इन्वेस्टिंग की जो स्टॉक लिस्ट है वहां पर मैंने ऑलरेडी 7 से 8 वीडियो बनाए हैं और कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर, वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर एडिशन करता रहूंगा, टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते रहूंगा। उन सारे वीडियोस को जरूर देखिए और अपने आप को तैयार कीजिए फॉर मोमेंटम इन्वेस्टिंग। सो अगर इस मोमेंटम इन्वेस्टिंग में सिर्फ एक इंडिकेटर को हम इस्तेमाल करते हैं और उस इंडिकेटर की लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के हर वीडियो में आपको यहां पर दिखाई देगी, तो इस लिंक पे आपको बस क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको चेकमेट ट्रेड्स का फ्यूचर इंडिकेटर जो है फ्री वर्जन है वो आपको दिखाई देगा। यू कैन ऐड दिस इंडिकेटर टू द फेवरेट्स और इस इंडिकेटर का जो भी वे मेथड जो है वो सब आपको कैसे इस्तेमाल करना है सब कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मेरा चार्ट यहाँ पे ऑलरेडी वेल डिजाइंड है, लेकिन इस इंडिकेटर को यूज करके आप भी यही एग्जैक्ट चार्ट आपको प्लॉट करना है। आपको इंडिकेटर्स में जाकर के ईयरली कैमरल लेवल्स को प्लॉट करना है। सो पिवोट्स के खूब सारे लेवल्स होते हैं, स्टैंडर्ड पिवोट्स होते हैं, कैमरला पिवोट्स होते हैं, फिबोनाची पिवोट्स होते हैं। तो अराउंड देयर आर 6 कैटेगरीज इन विच अ पिवोट्स कैन बी डिफाइंड। और पिवोट्स का जो थॉट प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। इसका मतलब ये है कि इस प्राइस एक्शन जो है वो पिवोट्स के ऊपर रिएक्ट करती है और प्राइस एक्शन ही पिवोट्स को डिजाइन करता है। सो हर महीने में जो पिवोट जो है आर वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर्स। और आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में अगर कोई लीडिंग इंडिकेटर पे काम करना है तो यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी विद पिवोट्स। तो पिवोट्स को जरूर सीखिए और सारे पिवोट्स को बैक टेस्ट करके, सालों तक रिसर्च करके आई हैव रियलाइज दैट कि हर टाइम फ्रेम के ऊपर, एक छोटे से छोटे टाइम फ्रेम, 5 मिनट के सीपीआर से लेकर के 1 साल के सीपीआर तक, अगर मैंने कोई नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल डिफाइन किया है तो वो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर एक हाई प्रोबेबिलिटी के साथ, गुड रिस्क मैनेजमेंट के साथ बहुत रिपीटेबल है, बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत कंसिस्टेंट है। तो इसी स्टडी को हम आगे बरकरार रखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ एक पिवोट हमारे काम का है और वो है कैमरेला का सेल जोन। तो यहां पर आप देखोगे कि जो भी मोमेंटम इन्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसका बैकग्राउंड ये है कि मैं कहता हूं कि स्टॉक 80-90% ऑफ द टाइम्स, कोई भी स्टॉक हो जो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, जो हाई मोमेंटम में ट्रेड नहीं कर पा रहा है, वो सारा स्टॉक जो है इन रिस्पेक्टिव ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, इन रिस्पेक्टिव ऑफ योर टेक्निकल एनालिसिस, इन रिस्पेक्टिव की वॉल्यूम बार पे क्या दिख रहा है, ये सब अगर कचरा आपको सीखना है, बेतुकी बातें हैं, सब बुकिश नॉलेज है, कुछ भी आपको स्टॉक मार्केट में काम नहीं आएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से मन लगाकर जरूर सुनिए एंड आपको एक साक्षात्कार होगा कि दिस इज द वे इन विच यू हैव टू अप्रोच इन योर स्टॉक मार्केट जर्नी। तो ध्यान से सुनिए, स्टॉक मार्केट में एक रिवील्ड ट्रूथ है, डिफाइंड ट्रूथ है, वेल रिटर्न, वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल टेस्टेड ट्रूथ ये है कि स्टॉक जो है वो 80-90% ऑफ द टाइम्स कैमरेला H4 और कैमरेला L4 के बीच में ट्रेड करता है जब भी वो साइडवेज होता है। अगर आप इन सिनेरियोस को देखोगे, इस पर्टिकुलर ईयर को देखोगे, तो स्टॉक जो है ये कैमरेला H4 है और ये नीचे का जो है वो कैमरेला L4 है, और ये ईयर का कैमरेला H4 और L4 है, पूरे साल का, 12 महीनों का। ये जो सीपीआर आप देख रहे हो ये 12 महीने का सीपीआर है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स रेड और ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे हो वो 1 वीक की कैंडल है। तो यहां पर आप देखोगे कि स्टॉक
स्टॉक जो है 80-90% ऑफ द टाइम्स कैमरल H4 और L4 के बीच में ट्रेड करता है। अब इस स्टॉक में आप जो मर्जी ट्रेंड लाइन खींच लो, चैनल्स बना लो, फ्लैग एंड पोल पैटर्न्स क्रिएट कर लो, प्रॉफिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस ही हिट होगा, पैसे नहीं बनेंगे। इन सारे स्टॉक्स में, फ्यूचर और ऑप्शंस में अगर आप हाथ डालोगे तो हाथ जलना जो है वो ऑलमोस्ट तय है, आप पैसे नहीं कमा पाओगे। आपको देखना है मोमेंटम, और जब आप फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो और तब तो मोमेंटम इज अ होली ग्रेल। अगर आप मोमेंटम नहीं है तो फ्यूचर और ऑप्शन से पैसे बनाना नामुमकिन है। डायरेक्शनल स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं, ऑप्शन सेलिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। लेकिन जब भी कैमरेला L4 का ब्रेकआउट हो जाता है तब आपको एक ट्रेंड दिखाई देता है, एक मोमेंटम दिखाई देता है, एक अनडिस्प्यूटेड ट्रेंड है, एक अनडिस्प्यूटेड स्ट्रेंथ है। बेयर्स हैव वन द मार्केट, बुल्स हैव लॉस्ट द मार्केट, इसका पूरा पूरा आपको कंफर्मेशन मिल जाता है। अगेन अगले साल कैमरेला H4 के नीचे स्टॉक है, कैमरेला L4 के ऊपर स्टॉक है, कुछ भी नहीं करना है। ये स्टॉक जो है भले कितना ही अमेजिंग इसका फंडामेंटल एनालिसिस हो, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर धंधा करना है तो आपको मोमेंटम को पकड़ना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। उसके अगले साल सेम सिनेरियो, H4 के नीचे है, L4 के ऊपर है, स्टॉक में कोई हलचल नहीं है, स्टॉक में कुछ भी इन्वेस्ट करने के लायक नहीं है। उसका अगला साल सेम सिनेरियो, H4 के नीचे, L4 में फेक ब्रेकआउट्स, बट देयर इज नो मोमेंटम ओवर हियर, और यहां पर कोई भी स्टॉक में कुछ भी काम करने लायक नहीं है। तो आपने देखा पिछले 5 सालों में, आपने देखा कि स्टॉक 4 सालों तक बीचों बीच रहा, H4 का ब्रेकआउट नहीं मिला, L4 का ब्रेकआउट नहीं मिला, और स्टॉक में कुछ 10-20% की अप डाउन मूवमेंट होती रही, कंसोलिडेशन फेज होता रहा। और इस कंसोलिडेशन फेज में जो है बड़ी पोजीशंस बनती है, हजारों करोड़ रुपए के पैसे लगते हैं फंड हाउसेस के, एंड इवेंचुअली आपको जब ब्रेकआउट मिलना तय है, लेकिन वो ब्रेकआउट कब मिलेगा वो आप डिफाइन करोगे बेस्ड ऑन द रूल्स में जो आपके साथ अब शेयर करने वाला हूं। तो यहां पर आप देखोगे ग्लेनमार्क में 10 स्टॉक्स में मैं स्ट्रेटजी को रिपीट करूंगा, 10 स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो नॉलेज है, अगर ये वीडियो को, अगर आपने मोमेंटम को सीख लिया है, कुछ मेरे वीडियोस को पहले देख लिया है, तो इस वीडियो को साइड में रख लीजिए, अपना खुद का काम कर लीजिएगा। पहली बार देख रहे हो तो फुल स्क्रीन में लैपटॉप और कंप्यूटर पे देखिएगा, लेकिन अगर पैसिवली भी अगर सुनना है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बात जब 10 बार सुनेगा, और हजारों आप वीडियोस जो मैं आपके साथ बनाने वाला हूं, टेक्निक शेयर करने वाला हूं, जब आप बार बार सुनोगे यू विल इवेंचुअली गेट रेडी फॉर इट। तो आपके सबकॉन्शियस रेडी होना बहुत जरूरी है, सबकॉन्शियस को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, और यही मैं कर रहा हूं थ्रू दिस रिपीटेटिव वीडियोस आई एम मेकिंग ऑन मोमेंटम इन्वेस्टिंग। आपका पैसों को कैपिटलाइज जो आपको करना है, डबल करना है, आपको कंपाउंडिंग को एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, डूइंग एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट। आई हैव रियलाइज कि आप दिन की कुछ कंसिस्टेंट इनकम क्रिएट कर सकते हो यूजिंग यू नो इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग, एंड डेफिनेटली मनी कैन बी मेड, लेकिन उसके लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो बहुत बहुत एक्सपोनेंशियली कॉम्प्लिकेटेड है। टाइम लोग क्या है, लोग ऑफिस जाते हैं और उनको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है। अगर आप मुझे फोन करोगे, मैं इतने सारे ट्रेडर से बात करता हूं, अगर आपको भी क्वेरीज है व्हाट्सएप के ऊपर मेरी टीम के साथ, मेरे साथ कॉल शेड्यूल कीजिए, ऑफ नो ऑब्लिगेशन, नो कॉस्ट एट ऑल, यू कैन टॉक टू मी फॉर 10 मिनट्स ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ऑन मंडे टू फ्राइडे। कभी भी मेरा टीम आपको मेरा टाइम और शेड्यूल बता देगा, जब भी मैं अवेलेबल हूँ। एटलीस्ट 40 मिनट से लेकर के 1 से 1.5 घंटे तक मैं रोज ट्रेडर से बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, एग्जिस्टिंग ट्रेडर से भी जिनको मैं ट्रेन कर चुका हूँ, और न्यू ट्रेडर्स को भी। और बहुत सारे ट्रेडर्स, मैक्सिमम ट्रेडर्स कहते हैं कि मेरे पास जॉब है, अब मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, लेट मी नो द इंटरनेट स्ट्रेटजी। मैं कहता हूँ कि आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचिए, यू हैव टू क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। अगर एक इनकम सोर्स ऑलरेडी है जो कंसिस्टेंट है, स्टेबल है, तो उसको काटो मत, उससे पहले एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, जब उसमें एस्टेब्लिश हो जाओ दैट्स व्हेन यू कैन डिसाइड कि आपको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम के साथ क्या करना है। तो जॉब छोड़ के स्कैल्पिंग इंटरनेट ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर आप ऑलरेडी एक फुल टाइम ट्रेडर हो, या फिर आपके पास उतना टाइम फ्रेम है, वर्क फ्रॉम होम है, किसी US की कंपनी में काम कर रहे हो, रात को ऑफिस का काम शुरू होता है, दिन में आप फ्री हो, तो इंटरनेट ट्रेडिंग इज द वे। एंड देन देयर हैज टू बी एक्सेप्शनल स्किल सेट, लॉट ऑफ बैक टेस्टिंग, लॉट ऑफ पेपर ट्रेडिंग, और उसके बाद में पैसा लगता है इंटरनेट ट्रेडिंग में, तब पैसा लगता है मार्केट में रियल मनी आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ दिस टेस्टिंग। तो एस्टैब्लिश स्ट्रेटजी करने के बाद, सिस्टम डिफाइन करने के बाद, बहुत कुछ पेपर के ऊपर लिखा होने के बाद यू विल एंटर इनटू इंटरनेट ट्रेडिंग, नॉट रैंडमली। यूट्यूब पे वीडियो देखे इंटरनेट ट्रेडिंग शाम को करोगे, नेक्स्ट दिन करोगे, पैसा जलेगा, हाथ जलेगा, सब कुछ कचरा हो जाएगा। डोंट डू दैट एट ऑल। सो डिफाइन योर सिस्टम, बी रेडी, एब्सोल्युटली रेडी फॉर इंट्राडे स्कैल्पिंग। अगर आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है, तो मैंने इतने सारे माइक्रो स्विंग ट्रेड्स और स्विंग ट्रेडिंग और इवन द मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज द वे टू गो, एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू मेक कंसिस्टेंट मनी इन स्टॉक मार्केट। थिंक ऑफ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, डोंट कट द ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर समथिंग दैट यू आर। किसी का शॉर्ट देख के, ट्विटर और हैंडल देख के, यूट्यूब पे प्रॉफिट्स देख के, यू डोंट हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन। बहुत कुछ फेक होता है दोस्तों, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन अदर्स, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा वैसे होता नहीं है। सो बी रिस्पॉन्सिबल, डोंट बी अ किड, एंड यू नो अननेसेसरी डिसीजंस मत लीजिए। सोच समझ कर, जेंटलमैन की तरह, प्रोफेशनल की तरह सोचिए, बिजनेसमैन की तरह डिसीजंस लीजिए, एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फाइन। कुछ भी आपको क्वेरीज है, कंसर्न है, लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने वाले हो, कंसल्ट मिथ बी वंस, और कड़वा सच सुनने के लिए तैयार रहना इफ यू आर गोइंग टू गिव मी अ कॉल एंड आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट व्हाट यू हैव टू डू इन द फ्यूचर।
लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मोमेंटम इन्वेस्टिंग के सबसे पहला स्टॉक मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके दिया है, वो है ग्लेनमार्क। कब बनती है एंट्री मेरे दोस्तों? कैंडल है H4 जब ब्रेकआउट हो जाता है विद अ बुल कैंडल, विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, तब आपको अलर्ट मिलना चाहिए, तब स्टॉक शॉर्टलिस्ट होना चाहिए। देन यू हैव टू वेट फॉर कंसोलिडेशन, देन यू हैव टू वेट फॉर पॉज, रुकना है, स्टॉक को करेक्ट होने देना है, प्राइस को थमने देना है, प्राइस को पॉज लेना बहुत बहुत जरूरी है। प्राइस बिना थमे, बिना करेक्शन के, बिना पॉज लिए कभी भी ब्रेकआउट नहीं देगा, कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। सारी कैंडल्स ग्रीन बनने की कोई जरूरत नहीं है। रेड कैंडल के लिए रुकिए, इनसाइड वीकली कैंडल के लिए रुकिए। तो यहाँ पर आपको एक इनसाइड वीकली कैंडल दिखाई देती है, और ब्रेकआउट जब हुआ था तब महीना था अप्रैल, और मई महीने में आपको एक वीक की कैंडल जो थी वो इनसाइड थी, और जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ उस इनसाइड वीकली कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। दो तरीके के स्टॉप लॉस हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, एक स्टॉप लॉस जो है वो वीकली इनसाइड कैंडल के लो पे होता है, और दूसरा स्टॉप लॉस जो है वो है 4-6% का ऑन योर ट्रेडिंग कैपिटल। जो भी स्टॉप लॉस छोटा है उस स्टॉप लॉस के साथ आपको जाना है, एंड देन यू हैव टू, अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है, इन दिस पर्टिकुलर केस नहीं हिट हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक रिवॉर्डिंग रैली मिली है जिस रैली ने आपको दिए है अराउंड 46% के रिटर्न्स। दूसरा स्टॉक जो मैं आपके साथ, अरे कहाँ गया मेरा, बहुत सारे एनालिसिस, और ये जो स्टॉक्स जो है, अगेन आई हैव टू गिव क्रेडिट टू माय चेकमेट ट्रेडर्स क्लब जिन्होंने ये सारे ट्रेड्स लिए हैं और आपके एनालिसिस, उनके पर्सनल एनालिसिस मेरे साथ शेयर किए हैं। तो उन सारे ट्रेडर्स के जो सक्सेस स्टोरीज है आपको दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स के ऊपर, इन विच वी हैव डन मोमेंटम इन्वेस्टिंग। यहाँ पे REC लिमिटेड का स्टॉक आपको दिखाई देगा ब्रेकआउट होने के बाद, यू हैव टू वेट फॉर एन इनसाइड कैंडल कंसोलिडेशन, वेट पॉज बहुत एसेंशियल है। इस इनसाइड कैंडल का जो ब्रेकआउट आपको मिला है, इस ब्रेकआउट के बाद यू नो ऑलमोस्ट 5% का नीचे की तरफ मूव दिया है, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है ब्रेकआउट के बाद आपको 40% के रिटर्न यहाँ पर दिखाई दिए हैं इन REC। यहाँ पर बेहतरीन तरीका है चेकमेट स्विंग ट्रेडिंग क्लब में जो सिखाया जाता है, वो है रिवर्सल ट्रेडिंग का, जिसके थ्रू आप कैमरेला के बाय जोन में भी बाय कर सकते हैं इन ऑफ एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक। लेकिन ध्यान रख के चलिए, रिवर्सल ट्रेडिंग करने में भले ही स्टॉप लॉस जो है वो अफोर्डेबल होगा, लेकिन जो टेक्निक है, जो स्किल सेट है, जो ट्रेड एग्जीक्यूशन की कला है, वो ज्यादा होगी। वहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, वहां पे थोड़ा सा मन जो है चंचल हो जाएगा, वहां पे आपको डिसीजन लेने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन ये जो ब्रेकआउट्स जो है, और ब्रेकआउट्स किसी 52 वीक हाई का नहीं, यहाँ पर यू नो लोग एंट्री भी एकदम लेट करेंगे यूजुअली, आप देखोगे तो सबकी एंट्री काफी लेट होगी सबकी। लेकिन ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है, और इसका मल्टी टाइम एनालिसिस के ऊपर जो एंट्री है, वो एंट्री जो है दैट इज द बेस्ट एंट्री। तो यहाँ पर भले ही ये इनसाइड वीकली कैंडल की स्ट्रेटजी मैंने यूट्यूब के ऊपर आसानी से लोगों को समझने के लिए सिखाई हुई है, लेकिन इसकी जो मल्टी टाइम एनालिसिस की जो एंट्री है, ये इससे भी ज्यादा रिटर्न्स आपको देगी, इससे भी ज्यादा अफोर्डेबल आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा, और इससे भी ज्यादा अर्ली एंट्री आपको मिलेगी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर्टिकुलर मोमेंटम इन्वेस्टिंग का स्कैनर और इस पर्टिकुलर मोमेंटम इन्वेस्टिंग की मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूं, तो कमेंट में मोमेंटम इन्वेस्टिंग लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मेरे सारे वीडियोस में यूजुअली देखते, देखो कितना 13 कमेंट्स है यहाँ पर, लगता है घर वाले भी कमेंट नहीं करते फॉर सम रीजन। ये इतना यू नो एक्सपो, मतलब दिस इज अपने आप में ये एक्सपोनेंशियल बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है दोस्तों। इससे पैसा नहीं बनेगा स्टॉक मार्केट में, तो दुनिया कोई किसी भी तरीके से पैसा नहीं बन सकता है। एक लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, कोई ड्रॉइंग नहीं करना है, स्कैनर दो लाइन में बन जाएगा। आपको बस आपका कन्विक्शन रखना है, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रेंथन रखना है, माइंडसेट को रेडी करना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट ड्राइविंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस। ये आप अगर आप कोई भी दूसरा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उससे पहले इस पर्टिकुलर बिजनेस के रिटर्न्स को एक बार एक्सपीरियंस करके जरूर देखिए। एक यू नो 1000 रुपए का साल का इंटरनेट लेने से और एक लैपटॉप के ऊपर यू कैन क्रिएट इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ एट योर ओन कन्वीनियंस ऑफ बींग एट होम। और आपको आपका एक्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम भी कट करने की जरूरत नहीं है, आपका जॉब चल सकता है, आपका बिजनेस चल सकता है, आपकी दुकान चल सकती है, और उसी के साथ साथ आपका पैसा जो है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, कंपाउंडिंग होता रहेगा। इससे ज्यादा यू नो यूट्यूब के ऊपर मुझे लगता नहीं, अगर कोई इससे बेहतरीन कोई स्ट्रेटजी है तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, मैं सीख लेता हूँ। मतलब इससे ज्यादा रिवीलिंग, इससे ज्यादा ओपन और अपफ्रंट एंड एवरीथिंग इज बीन रिवील्ड ऑन यूट्यूब ऑन दिस वन पर्टिकुलर चैनल। बेहतरीन इंट्राडे की स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी मैंने आपको सिखाई हुई है। ये कैमरेला का फंडामेंटल जो है वो छोटे से छोटे टाइम फ्रेम को लेकर के बड़े से बड़े टाइम फ्रेम तक आप अप्लाई कर सकते हो, एंड यू नो यू कैन डू वंडर्स टू योर ट्रेडिंग करियर। तो जस्ट बी रेडी, जस्ट बी ओपन टुवर्ड्स इट। आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल दैट इज फॉर यू नो प्रोफेशनल्स। All I'm trying to say is, अगर आप इन strategies को भी follow करोगे तो बड़े आसानी से you will be able to make consistent income. दूसरा बेहतरीन stock जो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ वो है PFC. इस particular stock में breakout मिलने के बाद एक inside candle you'll have to wait in. तो यहाँ पर कोई entry trigger नहीं, यहाँ पर breakout, sorry guys, यहाँ पर breakout already हो चुका है, और यहाँ पर आपको inside candle मिलती है यहाँ पर, और इस inside candle का यहाँ पे if I expand the charts you will see a closing of a green candle below above H4, और यहाँ पर एक inside candle मिल जाने के बाद you have to enter into the trade.
और ये सारे ट्रेड जो है वो ऑफिस के लिए काफी फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि एंट्री जो है वो डेफिनेटली अर्ली है एंड देर इज अ पोटेंशियल फॉर द स्टॉक टू मूव। देखिए मैंने कोई भी सप्लाई डिमांड जोन नहीं देखा, 52 वीक का हाई नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। 58% के रिटर्न पीएफसी ने हमें दिए हैं विदाउट इवन लुकिंग एट द बैक डेटा ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आप बैक डेटा देखोगे, गलती से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, सप्लाई डिमांड जोन पर आने की कोशिश करोगे चार्ट के ऊपर, लिख करके लीजिए कि आपको लॉस होकर रहेगा, कंफ्यूजन बढ़ करके रहेगी और अच्छे स्टॉक्स आपके हाथ से निकल जाएंगे। आप एक अनडिस्प्यूटेड ट्रेंड की तरफ चलिए, और अनडिस्प्यूटेड ट्रेंड ही ये जो स्टॉक है ट्रेडर्स क्लब ने शायद रिवर्सल के ऊपर लिया है इसलिए दे हैव लिस्टेड इट, बट यू कैन इग्नोर दैट फॉर यू नो एच ब्रेकआउट के लिए वैलिड स्टॉक नहीं है। एक बार सन टीवी, अच्छा ये सारे स्टॉक्स जो है वो रिवर्सल ट्रेडिंग के स्टॉक्स हैं। सो दिस आर द फाइव स्टॉक्स दैट आई वांटेड टू शेयर यू फॉर मोमेंटम इन्वेस्टिंग। बेहतरीन वीडियो बनाते रहूंगा, कंसिस्टेंट वीडियो बनाते रहूंगा। आपका ये फर्ज है कि आप रीच आउट टू करें टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड। आपको कोई भी कंसर्न से कोई भी असिस्टेंस चाहिए टू गेट स्टार्टेड विद मोमेंटम इन्वेस्टिंग, यू कैन डेफिनेटली, अगर आपके क्वेरीज जो है वो बेसिक रहेंगे तो मेरी टीम आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपके क्वेरीज आंसर कर देंगी। इट कुड बी रिलेटेड टू द इंडिकेटर और एनीथिंग एल्स, लेकिन अगर आपके क्वेरीज इज रिलेटेड टू योर करियर, टू गेट स्टार्टेड, एक सिस्टम बनाना है, एक फ्रेमवर्क डिसाइड करना है, अगर आपको कुछ बेहतरीन करना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करना है, यू कैन ऑब्वियसली रीच आउट टू मी माय व्हाट्सएप नंबर। ये जो वीडियो है प्लीज अपने दोस्तों रिश्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों यूट्यूब चैनल को प्यार मुझे पता नहीं क्यों इतना कम मिलता है, तो प्लीज आपका प्यार देते रहिए, बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा और आपके लिए बहुत जल्द मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग को लेकर के एक बेहतरीन कंटेंट और कुछ अल्गो ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहा हूं, जो आपका ट्रेडिंग करियर जो है और जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट किया जाए स्टॉक मार्केट में, उसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हम सेट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना आपका फर्ज बनता है, प्लीज डू इट। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, सारे लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।